जी सलीम साहब जी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जी सलीम साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। पहले तो सर ये जो कोटा में हुआ है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, देयर इज नो डाउट। कई दफ़ा ये इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने भी देखे हैं और आपने भी देखे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हमारी यहाँ से हाउस से अगर एक थ्री मेंबर या फोर मेंबर सेनेटर्स वहाँ चले जाएं और उन लोगों के साथ जो के जिनकी डेथ हुई है और जिस तरीके से हुई है उनके साथ सॉलिडेरिटी दें। और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी को कहा है, तो मेरा ख्याल अगर सेनेट से चले जाएंगे तो हमारा एक जो हाउस ऑफ फेडरेशन है उसकी एक उसका एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा और एक लोगों को पता चलेगा कि सेनेट इज़ अलाइव टू दीज सिचुएशंस। बिल्कुल ठीक। अब सर दूसरा मैं आऊँगा, जो एजेंडा है जो नैब का एजेंडा है, जो पहली दफ़ा सेनेट की हिस्ट्री में और मेरी हिस्ट्री में रिक्विजिशन के एजेंडा पे आया है। सर इसकी आपको भी पता है और मैं इस हाउस से शुरू करूँगा, इस हाउस के लोगों से शुरू करूँगा जो नैब ने जिन लोगों को परेशान किया हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा डेढ़ साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था चेयरमैन नैब को, जिसकी कॉपी आपको भी मैंने भेजी थी, कि सेनेटर्स को बुलाने से पहले उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी या केसेस रजिस्टर करने से पहले या उनको अरेस्ट करने से पहले हमें हमारे ऑफिसेज़ को रुजू किया जाए, जिसका नैब चेयरमैन ने जवाब भी दिया और ये कहा कि जी बिल्कुल सही है, एज़ पर रूल्स हम इसको फॉलो करेंगे और हम आपको बताएंगे। और मेरे ख्याल उसके बाद उन्होंने आपको बताना भी शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी सिस्टम शुरू किया और सेनेटर्स भी हमारे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करने लगे कि जी हमें सुना जाएगा और हमारी कोई सुनवाई है सेनेट में। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। रुबीना खालिद पता नहीं यहाँ हैं कि नहीं, दो साल से ये बैठी हुई है, दर बदर हो रही हैं नैब कोर्ट में। क्यों भला? इनके जो हस्बैंड थे जिनका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, उनके इश्यूज इन्होंने संभाले और इनको बुलाया इसलिए जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हस्बैंड ने साइन किए अपने टाइम पे उसकी इंक्वायरी हो रही है और इनको बुलाया जा रहा है नैब में उसका जवाब देने के लिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आज दो साल से ये नैब के कोर्टों में जाके खड़ी होती हैं और ना इनके केस चलते हैं ना उनका कोई रेजोल्यूशन होता है और ये कहानी चल रही है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हाजिल बजिंजो साहब हमारे एल्डर थे, उन्होंने आपको याद होगा एक तकरीर की थी इस हाउस में कि उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, उनके इन-लॉज को नोटिसेस गए हैं उनके इश्यूज के ऊपर। वो आज हयात नहीं है मगर मुझे ये उनकी स्पीच आज तक याद है। फिर आप आए, मेरे कोलीग मोहसिन अजीज यहाँ नहीं है, हम रशिया में थे 25th एनिवर्सरी ऑफ रशियन सेनेट के ऊपर हम विजिट पे थे, 4-5 मेंबर डेलीगेशन। वहां जनाब हम स्पीच कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोहसिन अजीज साहब की फोन पे मैसेज आता है कि जी आपके खिलाफ तो नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है मालम जब्बा केस में। वो वक्त था और जब तक हम रशिया में थे मोहसिन अजीज साहब वॉज नॉट इन हिज सेंसेस एंड मोहसिन अजीज कुड नॉट डू दैट ट्रिप एंड ही बिकेम आई शुड से मेंटली एंड फिजिकली इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। फिर मैं आता हूं शहरी रहमान की तरफ, इनके जो एक्स हस्बैंड है उनके साथ क्या हुआ शायद ये किसी को नहीं पता है। उनसे जबरन 164 का बयान लिखवाया गया क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मेरे भी दोस्त हैं, शरीफ नहायत ही शरीफ आदमी, और आज से नहीं 25 साल से उनको जानता हूं। जबरन 164 का बयान नैब ने लिखवाया और
हर आदमी इस हाउस में, देखे चेयरमैन साहब, हर आदमी को इज्जत प्यारी है। 12 साल मुझे हो गए हैं हुकूमत में और ऑपोजिशन में, आपने, बाबर अवान ने, आजम स्वाति ने, सब लोग यहाँ, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट में रहे, ऑपोजिशन में रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।